हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन के तहत हम यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहे हैं और इस वीडियो में अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्यारे बच्चों जो एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं, जो एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बहुत समय से रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट ना आने के कारण वो सारे बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उनका जवाबदेही कौन होगा कि ओवर एज होने के बाद अब वो किस प्लेटफॉर्म में जाएंगे, कौन सी अलग तैयारी करेंगे, किस चीज की नौकरी पाने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में जवाब कौन देगा। ये एक कारण बन चुका है, हर एक रिजल्ट के लिए बच्चों को लड़ना पड़ रहा है। यहां आज एयरफोर्स के बच्चों को बहुत लंबा समय हो गया है, अब तो बच्चे ये भी कहते हैं कि सर अभी 3 दिन पहले की बात है कि एक बच्चा कह रहा था कि सर अब हम करें क्या, हमको मन नहीं लगता है तैयारी करने में, क्या करें, पढ़ के क्या करें, कोई आगे पेपर नहीं दिख रहा है। तो ये एक कंडीशन आ चुकी है। इस कंडीशन को देखते हुए आज एक ये पूरा प्लान सेट हुआ है, हर एक टीचर्स, हर एक एजुकेटर्स, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, प्रयास कर रहा है कि बच्चों के रिजल्ट को लाने के लिए हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं। और उस मुहिम में हम चाहते हैं कि पहले तो जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है वो इस मुहिम में भाग ले, जो बच्चा ओवर एज हो चुका है वहां पे वो इस मुहिम में भाग ले, और जो बच्चा हो सकता है एयरफोर्स की तैयारी ना कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है या अन्य किसी सेगमेंट की तैयारी कर रहा है, हर एक बच्चे से हमारा आग्रह है कि सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपके छोटे बच्चों, छोटे भाइयों की लड़ाई है और छोटे भाइयों की लड़ाई में आप पूरा सपोर्ट करें। आप उस उम्र से निकल चुके हैं, इसका ये मीनिंग नहीं तैयार करता कि आपकी नौकरी नहीं है, आपके छोटे भाई की वो नौकरी है और आप इसके हक में आप भी खड़े हो। तो ये पहला मुहिम है, 5 फरवरी को ये पहला मुहिम छिड़ेगा और जिसमें 11 बजे की टाइमिंग रखी गई है, 11 से शाम 6 तक का ट्विटर कंपेन चालू किया गया है। और इस ट्विटर कंपेन का मुहिम जो रखा गया है, इसका ट्विटर कंपेन में जो हैशटैग आप चलाएंगे, क्या हैशटैग होगा, हैशटैग एयरमैन रिजल्ट। क्या होगा फिर से एक बार सुन लो, हैशटैग एयरमैन रिजल्ट, जिसमें ए आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बाकी आपको ऐसे ही क्लियर हुआ। तो दिन आपको यह पता है कि ये 11 से लेकर 6 तक आप, आपका भाई, आपकी बहन, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ट्वीट कर सके, प्रयास करें कि इस मुहिम को जितना ज्यादा आप ट्वीट कराएंगे उतना मुहिम सफल रहेगा। पहला प्रयास ये होगा, अगर कल का मुहिम ठीक रहता है, अगर सरकार कुछ सुन लेती है, देख लेती है, पहले तो सीएसबी से ये आपको सवाल है जो बार बार हर महीने एक अपडेट, वही पुरानी अपडेट को फिर से नया करके वही पोस्ट कर रहे हैं बार बार, तो ये क्या चल रहा है सर, समझ ही नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हो आप, क्या रिजल्ट देना चाहते हो या बस बहानेबाजी करना चाह रहे हो। तो रिजल्ट दो, उन बच्चों का कैरियर क्या होगा, जिन बच्चों का कैरियर बर्बाद होता जा रहा है, जिन बच्चों ने एक सैनिक बनकर देश सेवा के लिए काम करने का प्रयास किया था, आज देश सेवा तो छोड़ो, उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, रिजल्ट के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो पहली चीज, एक मुहिम ये रहेगा। दूसरा, अगर कुछ नहीं होता है तो दूसरा एक ये कहा जा रहा है कि 15 फरवरी को हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा वो दिल्ली तक पहुंचेगा और दिल्ली तक पहुंचकर वो सारे टीचर्स एक कंपेन के तहत जो उनका प्लान है, सारे टीचर्स का जो प्लान है वो वहां पे पहुंच के हर एक टीचर्स क्या करना चाह रहा है कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां पे बच्चा भी होगा, गार्जियन भी होंगे उनके, और वो एक ट्विटर का जो हमारा मुहिम था उसका हमारा एक जो रिजल्ट रहा कि क्या हमने ट्वीट कराया, किस नंबर पे ट्रेंड करे, और सरकार ने फिर भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके तहत वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मीडिया के भी, आपको मीडिया से बातचीत होगी। इसके बाद अगर फिर भी सरकार नहीं जगती है, इस गूंगी बहरी सरकार को क्लियर हुआ जगाने के लिए, जो देख ही नहीं रही कि क्या हो रहा है बच्चों के बीच में, उसको जगाने के लिए अगला प्लान क्या है कि अगर 24 फरवरी तक नहीं जगते हैं तो 25 को फिर एक बड़ा प्लान चल रहा है ऑफलाइन प्रोटेस्ट के रूप में। तो आप सारे बच्चों से आग्रह है कि जितने भी सोल्जर्स हैं हमारे, जितने भी सेना के लिए, मतलब देश सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, पहला काम है अपना रिजल्ट समय पर लाने का। तो उस रिजल्ट को पाने के लिए काम करिए आप कि सभी बच्चे कल 11 से 6 में
ट्विटर पर कंपेन को बिल्कुल नंबर वन पर पहुंचाना है। दूसरा काम क्या करना है कि हर एक बच्चे से आग्रह है कि हर एक बच्चा इनको सपोर्ट करे, ठीक है। तो हम चाहेंगे आप सभी बच्चों से कि ये वीडियो आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर करें, आप सभी बच्चे एक दूसरे तक पहुंचाएं और इस मुहिम में सभी का साथ और सहयोग लेने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।